हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे सिंघू बॉर्डर की, जहां पर बुधवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार असंवेदनशीलता के सारी हदें पार कर चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी रणनीति पर भी हुड्डा ने कहा कि यह किसानों का आंदोलन है, इसमें कप्तान भी किसान है और सब कुछ किसान ही है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक कॉल दूर, अगर किसानों से एक कॉल दूर है तो फिर 20-20 लेयर क्यों है। वहीं फसल बर्बाद करने पर भी दीपेंद्र ने कहा कि किसान फसल बर्बाद ना करें, किसान बची हुई फसल को गरीबों में दान दें। संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी है और इसीलिए मैं सरकार से बार बार अपील करना चाहता हूं कि सरकार तुरंत बातचीत के लिए किसानों को बुलाए और इस गतिरोध को समाप्त कराने का काम। मानता हूं कि आज दिल में बहुत दर्द है किसानों के, मगर ऐसा काम ना करें जो, क्योंकि जो सरकार जानों की कुर्बानी के बाद जिस सरकार के दिल में दया नहीं जागी, फसल की कुर्बानी से उस सरकार के दिल में जगह दया जागेगी, ऐसी कोई उम्मीद रखना मैं समझता हूं सही नहीं होगा। किसान यदि किसी का उत्पादन इतना है कि अपनी घर की जरूरत, अपने खर्चों की ज़रूरत और जितना उसको लगता है कि सारी हर प्रकार से उसको आवश्यकता है, उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि वो तो वो अपने उस जो है जो उस बचे हुए अनाज को, अब बची हुई फसल को वो गरीब आदमी की मदद में